हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यदि आप लोग मेट्रो से सफ़र करते हैं तो मेट्रो में आपको किन प्रकार की दिक्कतें होती हैं, जैसे कि कौन सी मेट्रो कहां से पकड़नी है, कौन सी मेट्रो कहां तक जाएगी, मेट्रो का किराया कितना है। इस तरह की सारी दिक्कतों के लिए हम आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बताएंगे जिससे आपका मेट्रो का सफ़र बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए फ्रेंड सबसे पहले हमको अपने प्ले स्टोर पर चलना है, तो चलिए प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं। अब प्ले स्टोर में हम सर्च करेंगे, इसमें लिखेंगे हम दिल्ली एनसीआर मेट्रो, दिल्ली एनसीआर मेट्रो। उसके बाद फ्रेंड देखिए ये एप्लीकेशन खुल के आ जाएगी, दिल्ली एनसीआर मेट्रो मेरे फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए मेरे पास ओपन का ऑप्शन आ रहा है। आप लोगों को पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम ओपन कर लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह से इसका ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से इसका दिखता है। इसमें देखिए यहाँ पे टुडे लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ लिखा है एंटर योर स्टार्ट स्टेशन, यानी आपको जहाँ से यात्रा स्टार्ट करनी है उस स्टेशन का नाम फिलअप करें। उसके अलावा एंटर योर एंड स्टेशन, जहाँ पे आपको अपनी यात्रा ख़त्म करनी है वहाँ का आप प्लेटफॉर्म का नाम यहाँ पर एंटर करें। तो चलिए मेरा जो एंटर योर स्टार्ट स्टेशन है, जहाँ से मुझे अपनी यात्रा स्टार्ट करनी है, वो स्टेशन है मेरा राजा नहर सिंह। तो मैं टाइप कर लेता हूँ राजा नहर सिंह। और फ्रेंड्स और मेरी यात्रा जहाँ ख़त्म होगी उस स्टेशन का नाम है कश्मीरी गेट, तो मैं कश्मीरी गेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए फ्रेंड अब यहाँ पे एक सर्चिंग का ऑप्शन आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कई ऑप्शन आ गया आपके पास। ये बता रहा है कि आपको राजा नहर सिंह से कश्मीरी गेट तक जाने में 66 मिनट लगेगा, यानी आपको टाइमिंग पता लग गया कि 66 मिनट का टाइम लगेगा। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 रुपये फेयर भी दिखा रहा है, यानी 50 रुपये का किराया भी लगेगा यदि आप राजा नहर सिंह से कश्मीरी गेट तक की यात्रा को करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि टोटल 33 स्टॉप हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हम आपको ये बता दें कि यदि आप राजा नहर सिंह से यात्रा स्टार्ट करते हो तो कौन कौन से स्टॉप आएंगे, तो आप देखिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स राजा नहर सिंह से स्टार्ट करने के बाद ये देखिए संत सूरदास एस्कॉर्ट मुचेसर, ऐसे करते हुए टोटल 33 स्टॉप आएंगे, तब आप जाके कश्मीरी गेट पहुँचेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स हम आपको दिखाते हैं, इसमें आपको पता चला कि कितना टाइमिंग लगेगी आपकी यात्रा में, कितना किराया और कितने प्लेटफॉर्म आएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स हम आपको ये दिखाते हैं कि यदि आप इसको रूट मैप के ज़रिए देखना चाहते हैं तो आप मैप में भी देख सकते हैं। देखिए इसका मैप खुल गया, आप अपनी यात्रा को जहाँ से जहाँ जाना है आप मैप के द्वारा भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हम आपको और दिखाते हैं, जैसे हमने यहाँ डाला था राजा नहर सिंह से कश्मीरी गेट, अब हम यहां से कश्मीरी गेट को हटा देते हैं और अब हम अपना जो यात्रा ख़त्म करने का प्लेटफॉर्म है उसको हम चेंज कर देते हैं, हम यहां कर देते हैं चांदनी चौक, ठीक है। और उसके बाद हम चेक करते हैं, देखिए फ्रेंड्स यहां खोलने के बाद दिखा रहा है 1 2 1 2 मतलब 3 ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास। राजा नहर सिंह से यदि हमको चांदनी चौक जाना है तो हमारे पास 3 मेट्रो है, 1 मेट्रो, 2 मेट्रो और तीसरी मेट्रो ये है। पहली मेट्रो से हमें 65 मिनट का टाइम लगेगा, 50 रुपये किराया और 31 स्टॉप, और ओनली एक ही मेट्रो हमको बदलनी है। इसके अलावा फ्रेंड्स दूसरी मेट्रो से 72 मिनट का टाइम लगेगा, किराया 50 रुपये ही है, 33 स्टॉप है और हमें 2 मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी। स्विच का मतलब 2 मेट्रो, एक मेट्रो से उतर के दूसरी मेट्रो हमको लेनी पड़ेगी। इसके अलावा तीसरी मेट्रो में भी हमको 2 मेट्रो बदलनी पड़ेगी, 33 स्टॉप है, 50 रुपये किराया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम इस ऐप के जरिए जिस मेट्रो से सिर्फ एक मेट्रो बदल के जाना है, इस तरह की मेट्रो देख के हम उससे सफ़र करेंगे। तो इन तीनों में हमारे लिए सबसे बेस्ट जो है वो 65 मिनट वाली है, जिसमें है स्विच एक है, यानी एक ही मेट्रो हमको चेंज करनी है और डायरेक्ट हम राजा नहर सिंह से चांदनी चौक चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसमें आपने जैसा कि देखा
हमने दिखाया, इसमें आपको टाइमिंग भी पता चल रहा है कि आपकी यात्रा में कितना टाइम लगेगा, प्लस किराया भी पता चला, कौन कौन से स्टॉपेज आएंगे, स्टॉपेज की संख्या क्या है और कितनी मेट्रो बदलनी पड़ेगी, कितनी मेट्रो आपको बदलनी पड़ेगी। और इसके अलावा यदि आप मैप के जरिए देखना चाहते हैं तो इसमें आपको मैप भी दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी? यदि फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे लाइक ठोकें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो हम आपको सबसे पहले दें। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।